ना मालिक, तो जाना पड़ेगा। तुम मेरे के समय सुनो मेरी बात, रोको रोको मालिक है? मैं तुम्हारे पांच करो रोक लू मैं। हाँ। सुनो मेरी बात, मेरे बालक भूखे मत जाएंगे अपने के समय। तब दे दो। क्या नाम रहता चाचा अपना? मेरा नाम राकेश है। है? राकेश। अच्छा राकेश नाम है। अबे खूबी हमारे अंदर भी, अब जैसे आपने नाम नहीं पूछा मगर हम जब भी बताएंगे। अच्छा मेरा नाम है पत्थर। शाबाश। बचपन में रख दिया था पत्थर नाम। अच्छा सुना नहीं होगा आज तक किसी का नाम ऐसा? ना मैंने सुना। हाँ मैं नवाब सुनोगे। पूछो पत्थर नाम क्यों रख दिया? बचपन में मैं क्या था, सर से सर मार के आदमी सर फोड़ देता था। शुरू से मजबूत था ना सर इस मारे। भाई घर वालों ने पत्थर रख दिया ना। सही है। मैंने ही बोला, मैंने कि तुमने बिल्कुल अनोखा नाम रख दिया। सीट बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट यहां से ले चलो सीधे, वो पैसा निकालना इधर से। ऐसे ही जान लेना भैया है, देखियो ऐसे सही है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट लगाया आपने। दिक्कत ना आनी चाहिए कोई। अब आप बैठ के गाड़ी में तो वैसे दिक्कत नहीं होगी कोई। ना मालिक ऐसे कैसे ना। क्या नाम था अपना? राकेश। हाँ जी साहब। आपका नाम किसने रखा? घर वालों ने रखा था साहब। अच्छा इसमें क्या है? इसमें साग सब्जी ले जा रहा था। अच्छा बहुत अच्छे, यहीं से तो गया दुकान से ये सामने। अच्छा इधर से लेके गए सब्जी? हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। क्या करते हो? यहाँ एटीएस में काम करता हूँ, टाइल मिस्त्री के संग काम। अच्छा अच्छा टाइल वाले काम करते हो, बहुत बढ़िया। छुट्टी है तो मैंने कहा यहीं से ले जा रहा हूँ तेज से सब्जी। अच्छा फिर दोबारा आने पर तो घर से? हाँ हाँ नहीं दोबारा मत, दोबारा में तो फिर दिक्कत हो जाती, परेशान हो जाएगा आदमी दोबारा आने में। एक तो वहीं थक जाता है काम पे ही मेहनत करते करते। हाँ बिल्कुल सही बात है, थकना मना है दौड़ भरी जिंदगी में। तो जवान छोरा तुम्हारी तो बात अलग है, हमारी तो बुढ़ापा ही है। अरे कहाँ अभी तो जवान हो आप। अरे क्या बोला तूने? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50-55 पहुंच चुकी हुई। अच्छा ठीक है। अभी दरअसल में क्या है ना, अभी हॉस्पिटल खुला एक। अच्छा अब उसमें पेशेंट इतने सारे आ गए हैं भाई, आजकल तो यही है हॉस्पिटल खुलते पेशेंट आ जाते हैं। अब क्या है वहाँ पे भैया, अब लोगों की क्या, किसी को आँख की दिक्कत है, किसी को किडनी में, किसी कैसी इस तरीके से दिक्कत बहुत है। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ दान करवा रहे हैं अभी, किडनी दान, आँख दान, इस तरीके से दान करवा रहे हैं। अभी इन भैया की दान करवा के आया हूँ, ये इतने बढ़िया है कि ये खुद आ गए आज भी। कहाँ खुद आ गया, तुम जबरदस्ती लेके आए हो मुझे। अरे यार तुम उस दिन अपने आप तो आए। पहले तुमने किडनी निकाल दी, सर में दर्द का वहाँ दर्द था मेरे, तुम हॉस्पिटल ले गए, किडनी निकलवा दी तुमने वहाँ पे। ना अब तुम्हारी के आज उस दिन इसकी किडनी निकलवाई। दिखाओ अंकल को, दिखाओ थोड़ा, चाचा को दिखा दो। दिखाना क्या, अब भी दर्द है थोड़ा, देख रहे हो अंकल जी? देख लो चलो फटाफट अंदर। अब जब भैया हो गया तब करवाना पड़ेगा ही, जब भैया चाहिए वहाँ दान। तो तुम्हें पता दान तो महादान होता है, किडनी दान, आँख दान, महादान। तुम मुझे भाई साहब आगे उतार देना, मुझे नहीं जाना था। आज तुम्हारी वो आँख निकाली जाएगी। ना ना मुझे नहीं निकलवाना कुछ भी, पिछली अब क्या एक बंदे की और जरूरत है, समझ रहे हो? एक बंदे की और जरूरत है जो किडनी और आँख दान कर दे। मैं तो मालिक दिल से वैसे भी कमजोर हूँ, मेरे तो दिल को दौड़ा पड़ता है वैसे ही। अच्छा है तुम्हारी नजर में कोई है? तुम्हारी नजर में है कोई?
करवा दोगे जुगाड़? हाँ है सकता है, तुम ही दे दो भैया, मेरी ना है सकते है? मैं तो पहले ही दिल को मजीज मरीज हूँ, मजीज हूँ मरीज हूँ दिल को ही। आगे आज तुम्हारी आंख निकलवाई जाएगी। मुझे भाई साहब तुम पागल वागल हो गए यार, तुम पिछली बार भी ऐसी ले गए, अब अभी तक तुम दे लो चाचा है? तुम दे दो, मालिक में मर जाऊंगा है, खत्म रह जाऊंगा, मेरी तो आंख वैसे ही बनी हुई है, देख लो वरना तो चेक करा के। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर में किडनी निकाल के तुम्हें भेज देंगे। अरे नहीं साहब मैं मर जाऊंगा, अपनी कसम, मेरे तो वैसे ही दिल को दौरा पड़ता है। जो उतारो भाई साहब इधर यार, आंख दे दो या तो किडनी दे दो, एक चीज दे दो। अरे मैं तुम्हारे पैर चू रहा हूं मालिक, मर जाऊंगा, बताओ जल्दी। छोटे छोटे बालक हैं, अब दे दोगे तो सही रहेगा। आराम से लो यार, दर्द हो रहा है। देखो उसको, अरे बहाने बना रहे, दर्द हो रहा है। अब तुमने यार बहुत गलत करा पिछली बार, बताओ दे दो। नहीं मालिक मैं तो तुम्हारे पैर छू रहा हूं, अब दे दोगे तो बढ़िया रहेगा ना, मेरे ऊपर दिक्कत हो रही है ना, से बालक है मेरे ऊपर दिक्कत हो रही है, वहां मैंने जिम्मेदारी ले ली वहां देने की। मैं तो मालिक अब कोई जा ही नहीं रहा, इतनी गर्मी पड़ रही, कोई निकल नहीं रहा है। अब आप अच्छे से लगे तो मैंने बोला चलो, तुम चाहे मेरे शरीर फाड़ लो मगर मेरा कोई कुछ चीज कामयाब नहीं है ना। वो तो थोड़ी दिन तक जितना भी होएगा कर देंगे, वो दो किडनी होता है इंसान के अंदर, एक किडनी से काम चल जाएगा, समझ रहे हो ना। तुम्हारा कामयाब ही नहीं मेरे अंदर होगा, चेक कर रखती हो तुम। अब मैं थोड़ा चेक करूंगा, मैं तो आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ ना, बस आप दे देना, वो अपने आप देख लेंगे वहाँ डॉक्टर। तुम इनकी ले लो जो लेनी है भाई, मुझे देखो सुनो, मैं तुम्हें बताऊँ मालिक, मेरा तुम्हारे अंदर कोई शरीर के अंदर कोई ऐसा जिस्म में कोई चीज नहीं कामयाब है, कुछ तो एक कुछ भी कामयाब नहीं है। कुछ तो कामयाब हो गई, देखो ये मेरी आँख खराब है, सही है, बढ़िया दिख रही है। ये बताओ कितना है, ये बताओ कितना है क्या ये तो मेरे को इतना तो दिख रहा है, तो बस तो चार है, तो ये फोन के नंबर भी नहीं दिखेंगे मुझे। नहीं फोन का नंबर दिखे, उससे किडनी से थोड़ा आँख देखते हैं इंसान। भाई मुझे उतारो यार, तुम क्या आँख पाँख जो निकलवाना निकलवाओ, जिसकी इनसे बोल देना ये दे देंगे। तो तुम नहीं दोगे फिर आज? ना ना भाई मुझे उतारो, तो फिर मुझे चाचा की निकलवानी पड़ेगी आज। निकलवा लो चाचा की, तुम मुझे उतरवाओ बहन, जो जबरदस्ती बैठवा देते हो यार गाड़ी में। दे दो चाचा, ठीक है किडनी दे दो, किडनी दान महादान, समझ रहे हो। और आपके वजह से कोई आदमी बच जाएगा तो बढ़िया रहेगा ना। देखो नहीं, मेरा ये दिल का मरीज वैसे इधर थोड़ा ना होता है दिल, देखो ये दिल है, ये दिल है, दिल इधर होता है, वो दिल तो इधर है, वो तो पेट है। हाँ पेट भी बाहर हो गए, कुछ भी बाहर हो गए तो भी खत्म है मेरी कहानी, कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अरे नहीं कहानी खत्म नहीं होने देंगे तुम्हारी। चल भाई तुम उतरो, मैं चाचा को लेके जा रहा हूँ। उतार दो भाई, तो चाचा तुम दे देना, ठीक है। बैठो भाई दो मिनट, तुमसे पहले बात वो डील तो हो जाए तुम्हारी, बैठो दो मिनट पहले। अभी तुम्हारा जो पैसा रह रहा था जो तुमने दिया है, तुम्हें 20,000 रुपये फालतू चले गए थे, वो मैं करवा दूंगा भाई साहब, पहले मेरा ये सही तो हो जान दो यार, अभी तक सही ना हुआ है। वैसे तुम आज मैं कह रहा, चलो चाचा तुम दे देना, ठीक है ना, मेरे को अगर मेरा चेक हो जाए हमारा कामयाब है, मैं तो तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा ना, मुझे तो पैसा कर देंगे ना वो पेटीएम। क्यों तुम्हें मैं छोड़ के आ जाऊंगा बस, वहाँ क्यों छोड़ के आ जाओगे मुझे? तो पैसा तो मुझे तो पैसा मिल रहा है ना इस चीज का, तो तुम तो पैसा लेके आओगे, चलो मैं मान रहा हूँ, मुझे वहाँ अकेला छोड़ के क्यों आओगे, चेक होगा फिर वो छोड़ देंगे तुम्हें घर तक डॉक्टर। हाँ जब तुम्हारे निकाल लेंगे ना किडनी, किडनियाँ तो आँख दोनों में से एक चीज निकाल, आँख तुम खराब बता रहे हो पर तुम्हारी आँख ठीक है, बताओ कितना है। अरे कुछ छोड़ने नहीं आएंगे चाचा, वहाँ से पैदल ही आओगे तुम तो। मुझे ना मालिक ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पता लग जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जा रहा हूँ भाई साहब, मजदूर आर्मी हूँ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मजदूरी करके आया हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, अब तो देना पड़ेगा ना आपको, मेरे कसम से मेरे ले जाओ तुम, मैं ले जाऊंगा। चलो सर जी मेरे को, मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चे मर जाऊंगे, रोज कमाने खाने वाला आदमी, तो अब दे दोगे तो बढ़िया रहेगा ना। नहीं मैं मालिक तुम्हारे पैर छू रहा हूँ, मेरे क्यों छू रहे हो, सुनो मेरी बात, अब वहाँ जाओगे तो दे दोगे तो बढ़िया रहेगा। सर जी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चे रोज डेली कमाने खाने वाला आदमी, तो अब आँख दान कर दो या तो किडनी दान कर दो। देखो अभी तो मेरे हाथ पैर सीमेंट में ही है, मेरे जैसा गरीब आदमी नहीं कोई। अच्छा इतना बढ़िया कपड़े वपड़े पहन रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, तो इससे गरीबी कहते हैं? छोटे छोटे और कोई मसाला भी खाते हो? देखो पूरा दांत खराब कर रखा आपने, तो बोल रहे हो कि मैं दिल का पेशेंट हूँ, पेट में दिल बता रहे हो? नहीं ये देखो मेरे, यहाँ कहाँ से दिल आता है, यहाँ मेरे चोट लगी, यहाँ है क्या दिल आपके?
नहीं नहीं फिर वो सर मेरे में तुम्हारे पैर छू रहा हूँ, मेरे नहीं कुछ काम है। तो अब दे दो किडनी वहाँ। नहीं सर कहीं से जुगाड़ कर लो, देखो 20,000 रुपए दिलवा दूंगा। चलो तुम्हें भी अपनी किस्म, मुझे पैसा नहीं, मेरे बच्चे पालने बस। 20,000 रुपए दिलवा दूंगा, सही रहेगा। बच्चे पालने कसम खा रहा हूँ। अब चल रहा हूँ मैं तुम्हें लेके वहाँ। मैं तुम्हारे पास छू रहा हूँ, यहीं छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा अपने घर, मेरे बच्चे छोटे छोटे मर जाएंगे। तब तुम दे दोगे तो बढ़िया रहेगा ना। तुम्हें मेरी किस्म है मालिक, मैं ततम नहीं छोड़ दो। मेरी किस्म है। मेरा नाम बताओ क्या था? पत्थर लिखा था मैंने। पत्थर? पत्थर बताया। पत्थर। अब तो तुम्हें नाम भी नहीं पता, अब तो तुम्हें किडनी देना पड़ेगा। देखो मालिक मैं तुम्हारे पास छू रहा हूँ, सुनो। किडनी और आँख या तो वो दोनों निकाल लेंगे या तो एक चीज निकालेंगे। ऐसे नहीं खुलता गेट, पासवर्ड बोलना पड़ता जब गेट खुलता है। खोल दे तो फिर सर मैं तुम्हारी किस्म मर जाऊंगा, अपनी किस्म में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब किडनी देने में क्या दिक्कत तुम्हें? ना सर मैं एक किडनी से क्या कमा लूंगा। किडनी नहीं किडनी। हाँ किडनी। किडनी नहीं किडनी। अभी जब निकालेंगे ना चीरा लगाएंगे तुम्हारे चार और निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत खून वून निकलेगा, मैं मर जाऊंगा अपनी, बस सही हो जाएगा। सर मैं नहीं। अब तुम चलो, देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे छू रहा हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इतने हाथ जोड़ वाले मेरे से। तब दे दोगे तो बढ़िया रहेगा ना। मालिक मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे बालक। अब मैं बताऊँ कहाँ से आदमी लेके जाऊँ? साग सब्जी अभी लेके जा रहा हूँ, सब सामान। क्या 500 रुपए की मजदूरी? दिखाओ क्या है। देखो है, तुम विश्वास नहीं करो, वो देखो बच्चों को ही ले जा रहा हूँ। तो अब तो इसका मतलब तुम इतना बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी किडनी मजबूत है। अकेले ही काम करने वाला हूँ और मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मर जाएंगे। तुम्हारा तो तुम इतना बढ़िया बढ़िया खा रहे हो वेजिटेबल, तुम्हारा तो मजबूत है। तुम तो पैसा वाले हो। कहाँ हम तो, मैं तो कमा के पैसा खा रहा हूँ, ऐसी किडनी बेच बेच के। ना साहब मैं तुम्हारे पास फिर हाथ जोड़ रहा हूँ। है आज तुम मेरे को बकस दो। आज बकस दूँ? बालक बच्चे मर जाएंगे मेरी भूख के। चलो बस आज किडनी किडनी दे देना तुम, बस तुम्हें मेरे किस्म में मालिक रोको रोको। चलो आज किडनी किडनी दे देना तुम। मालिक मैं मत जाऊंगा, अपनी किस्म खा रहा हूँ। सुनो मेरी बात मालिक, सुनो भैया। अब नहीं सुनाई दे रहा मेरे, मेरी बात सुनो है? मेरे बच्चे मर जाएंगे अपनी किस्म, और कोई बात ना, मेरे से शरीर मात दो तुम जान से, मगर मेरे बालक भूखे मत जाएंगे। रोज डेली कमाए खाए बारह आदमी हूँ, अपनी किस्म देखो, सीमेंट में सब हाथ पैर रह रहे हैं, और मेरी हुलिया देख के तुम देख लो, समझ गए। मेरे बालक भूखे हैं, मैं कमा के खा के आता हूँ रोज डेली, रोज डेली लेके जाता हूँ, और रोज डेली एक और एक कितना होता है? एक और एक, एक और एक तो ये दो भी होते हैं, 11 भी होते हैं सर। कैसे होते हैं 11? एक और एक 11 और दो भी होते हैं। बताना कैसे होते हैं, गलत बताओगे तो अभी किडनी लेके देने जाऊंगा। ना तो गलत तो नहीं बता रहा सर, बताओ मैं आपको बताओ। ऐसे एक और एक ऐसे लिखोगे तो 11 हो गए। कैसे? ऐसे दो बना दिए। हाँ। और ऐसे बनाओगे दो है गए। एक और एक ऐसे कैसे? हाँ। ऐसे, हाँ। ऐसे कराओगे तो दो हो गए। ये दो थोड़ा ना बोला मैंने, एक और एक पूछा है। मेरे बालक मत जाएंगे फनी के सामने। अब इसका पासवर्ड वो नहीं बता रहे हो तुम, एक तो और एक कितने होते हैं? मेहनत करते करते इनमें से किसी को बैठा दो सामने आ रही। बैठ चाहेंगे तुम बैठा रहे तो तुम बैठाओ, मैं नहीं बैठाऊंगा। बताओ को बाहर ले जा रहा हूं, फिर मैं कहूं बोलो इस शीशे में से कहां जा रहा भाई? नहीं घर पे जा रहा हूं। आ जा छोड़ दे इसे, बोलो इनसे जल्दी रोको भाई, बैठो आ जाओ। दारू पिलाएंगे और क्या करेंगे? नहीं निपटता हो तो 100 रुपए दे दो, खाना ना खाऊंगा। बोलो जल्दी बैठा हूँ, नहीं तो तुम्हारे लिए करवाऊंगा। आओ तो आ जाओ, एक आदमी नहीं बैठा, तुम्हें ले जाना। तो जा नहीं रहा तुम्हें ले जाना। देखो मालिक मैं तुम्हारी किस्म, मेरे बालक मुझे मत जाएंगे, अपने किस्म भैया मैं माँ की किस्म खा रहा हूँ, मेरी माँ भी अंधी है। और देखो मैं कोई कमावे बार है ना, तेज बोलो कान में आवाज नहीं। क्या बोला? मेरे भैया घर में कोई कमावे बार नहीं है, मेरी माँ भी अंधी है, कसम खा रहा हूँ। तुम भी हीरो हॉकी के प्लेयर थे क्या जवानी में? नहीं अपनी किस्म मालिक मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे घर पूछ लियो, जवान ने देख लियो, कसम खा रहा हूँ मेरी माँ के ऊपर कोई ना है। चलो गेट खोलने के लिए पासवर्ड बोलो। सर मैं पतंग ना है, मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रिपीट करो जब गेट खुलेगा। बोलो उड़ जा काले कावा तेरे, बोलो उड़ जा तेज बोलो, उसको सुनाई नहीं देगा ऐसे। उड़ जा जितनी ताकत है तुम्हारे अंदर,
तेरे उड़ जा काले कावा तेरे उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा मुंह विच खंड पावा ले जा तुझे लंदन ले जा तुझे लंदन मैं अपने घर घुमावा मैं अपने घुमावा आए हाय आए हाय मजा ही आ गया आज तो बोलो आए हाय मजा ही आ गया आज तो स्वाद आ गया आज जीवन में मेरे आज मैं किडनी दे के आऊंगा अरे मालिक है नहीं दोगे अपने किस्म में मर जाऊंगा मेरे बालक अरे उसको बोलो जब गेट खोले बोलो आज मैं किडनी दे के आऊंगा बोलो बोल दो मालिक तुम्हारे हाथ में है मेरे बाल करने की जिंदगी और कहो के मना मेरी माँ की भी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है मैं अकेला ही घर में कमाने खाने वाला हूँ ये क्या चल रहा है ये क्या है कैमरा चल रहा है वीडियो बना रही है इनकी मेरी वो देख लड़का डर गए क्या मजाक कर रहे थे ये कुछ नहीं है वो देखो कुछ भी नहीं आजा बैठ जा ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ डर गए थे आप डर ना मालिक मेरे घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है डर गए थे ना बहुत ज़्यादा ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि किसी के साथ गलत ना हो जाए जो अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं मानते हो गलत हो सकता है नहीं ऐसा अनजान गाड़ी में बैठ के मुझे जानते हो आप नहीं तो मैं नहीं जानता बैठ गए ना तो गलत हो सकता है ना ऐसा तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि किसी के साथ गलत ना हो जाए अब तो नहीं बैठोगे अनजान गाड़ी में कभी मैं नहीं बैठूंगा पक्का कान पकड़ लिया अभी तक ऐसी सीख नहीं आई आ गई अब आ गई होगी ऐसी देखी ना कोई चीज अब आ गई होगी सीख ऐसी अब बोलो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो लाइक करो तेज बोलो आवाज नहीं जाती वीडियो लाइक कर दो शेयर कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो चैनल को तेज बोलो सर्क्स का कहते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो हाँ हाई कर दो अब तो नहीं बैठोगे आगे ऐसे गाड़ी में ना पक्का पक्का चलो लो मेरे साइड से आप कुछ रखो ये लो ठीक है दबा लो अंदर दिखाऊं मैं इससे कुछ ले जाना खा पी लेना बच्चों के लिए भी ठीक है ठीक है अब पीते पाते तो नहीं हो ना पारू पारू गुलाच ना पीते तो नहीं हो हाँ तो बच्चे के लिए कुछ अच्छा ले जाना खाने के लिए हाँ तो और भी अब कुछ ले जाना ठीक है हाई कर दो हाई